नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कोविड-19 के मिले 10 से ज्यादा मामले। रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि आज। पटना रिंग रोड के लिए और अधिक जमीन की होगी जरूरत। घर चुनाव कार्यालय प्रचार वाहन पर अब लगा सकेंगे पोस्टर। सरकार और सेना मिलकर संवारेंगे बिहार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि आज। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी आज यानी कि रविवार को अपने संस्थापक और दिग्गज नेता रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि मना रही है। पिछले साल अक्टूबर में हार्ट सर्जरी के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। वहीं इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान को उनके बरसे पर संदेश लिखकर याद किया, जिसकी जानकारी खुद चिराग ने शेयर की है। इस बाबत चिराग ने कहा कि पिताजी के बरखी के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश प्राप्त हुआ है। सर, आपने पिताजी के पूरे जीवन के सारांश को अपने शब्दों में पिरोकर उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों का सम्मान किया है और उनके प्रति अपने स्नेह को पारदर्शित भी किया है। यह पत्र मेरे और मेरे परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करता है। आपका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा बना रहे। सीएम नीतीश ने ओढ़नी को टॉप टूरिस्ट प्लेस ऑफ बिहार बनाने का लिया संकल्प। बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। यही कारण है कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब सीएम नीतीश ने ओढ़नी टॉप टूरिस्ट प्लेस ऑफ बिहार में से एक इसको बनाने का फैसला लिया है। यही कारण है कि पिछले महीने जलाशय में नौका विहार शुरू होने के बाद शनिवार से डैम में वाटर स्कूटी भी फर्राटा भरने लगी है। करीब 22 लाख रुपए की लागत से स्कूटी खरीद कर डैम पर लाया जा चुका है। शनिवार को ही इसे आम लोगों के लिए चालू कर दिया गया। इसकी सवारी 500 रुपए रखी गई है, जबकि अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आपको इसमें आधी छूट मिलेगी। वहीं सीएम नीतीश भी अगले सप्ताह यहां आ सकते हैं। बिहार में दोगुना किराया वसूलने वाले वाहन मालिक हो जाए सावधान। बिहार में जो भी गाड़ी अब तक दोगुना किराया वसूल रही थी, ऐसी गाड़ियों पर अब सख्ती की जाएगी। आम नागरिकों की तरफ से आ रही शिकायतों के अनुसार कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान लगाए गए लॉकडाउन और पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का हवाला देकर सार्वजनिक वाहनों का किराया मनमाने तरीके से दोगुना कर दिया गया था। हालांकि सरकार ने सार्वजनिक परिवहन में पहले की तरह यातायात की छूट दे दी है, लेकिन किराया अब भी दोगुना ही वसूला जा रहा है। इसको देखते हुए परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत ही बीते दिन पूरे बिहार भर में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया, जहां पर अधिक किराया वसूलने वालों के साथ साथ हेलमेट नहीं लगाने वाले समेत नियमों का पालन नहीं करने वालों की जांच की गई। इस दौरान 28 गाड़ियां जब्त की गई और 21 बसों पर जुर्माना लगाया गया। बिहार में कोविड-19 के मिले 10 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 14 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 75 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो बेगूसराय में 1, भोजपुर में 4, गया में 1, खगड़िया में और किशनगंज में 1-1, मधुबनी में 1, नालंदा में 1, पूर्णिया में 2, सुपौल में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही एक ऐसे मामले की पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्य के हैं। वहीं रोहतास, समस्तीपुर, शेखपुरा, वेस्ट चंपारण, अररिया, बक्सर, अरवल, औरंगाबाद, बांका, पटना, भागलपुर, दरभंगा, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सहरसा, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,67,028 सैंपल की जांच की गई। वहीं 12 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार में सफाई कर्मियों की हड़ताल आज भी है जारी। बिहार में सफाई कर्मी लगातार अपनी हड़ताल पर बने हुए हैं। यही कारण है कि राजधानी पटना समेत बिहार के कई प्रमुख जिलों के कचरे में ढेर में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मुद्दे पर सरकार अब तक मौन नजर आ रही है। शनिवार को हड़ताल तोड़ने को लेकर नगर विकास और आवास विभाग के अधिकारियों ने 2 बार हड़ताली यूनियन के नेताओं के साथ वार्ता तो की, मगर बात नहीं बनी। रविवार को फिर से हड़ताली यूनियन के साथ विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद आज कुछ निर्णय लेने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में नगर निगम सहित राज्य के सभी नगर निकायों के स्थायी, दैनिक, आउटसोर्स और संविदा पर नियुक्त सफाईकर्मी पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर है। सफाई कर्मियों की हड़ताल के बाद पटना समेत पूरे राज्य के शहरों की स्थिति बदतर होती जा रही है। कूड़े के कारण सड़कों पर चारों तरफ बदबू फैली हुई है। बिहार में पोलियो रोधी खुराक पिलाने का अभियान शुरू होगा 26 सितंबर से। बिहार में पोलियो रोधी खुराक पिलाने का अभियान 26 सितंबर से शुरू होने वाला है, जिसके तहत 2 करोड़ बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की दी जाएगी। जिसके तहत ही सितंबर में 16 से 21 तक राष्ट्रीय कृमिनाशक सप्ताह और 26 सितंबर से पोलियो टीकाकरण सप्ताह के तहत 2 गंभीर बीमारियों के नियंत्रण को लेकर अभियान शुरू होगा। देश के साथ बिहार में भी पोलियो का उन्मूलन हो गया है। बच्चों को विकलांगता से बचाने के लिए सरकार द्वारा इस अभियान में अभी तक कोई ढील नहीं दी गई है। यही कारण है कि 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का सिलसिला जारी है। घर चुनाव कार्यालय प्रचार वाहन पर अब लगा सकेंगे पोस्टर। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जारी है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग से उम्मीदवारों को घर
चुनाव कार्यालय और प्रचार वाहन पर पोस्टर लगाने की छूट मिल गई है। इस बाबत आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में कोई भी प्रत्याशी अपने मकान, चुनावी कार्यालय और अपने प्रचार वाहन पर चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर और बैनर लगा सकता है। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को इस आशय में निर्देश भी जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए अपना कार्यालय खोल सकते हैं, हालांकि इसकी सूचना संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को देनी होगी, जिससे कि उनका चुनाव कार्यालय किस स्थान पर स्थित है इसकी जानकारी आयोग को मिल सके। सरकार और सेना मिलकर संवारेंगे बिहार। आम नागरिकों के हित में विकास कार्य करने के लिए राज्य सरकार और सेना एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। शनिवार को सिविल नागरिक सैन्य सम्मेलन में इसको लेकर चर्चा हुई, जिसके तहत शनिवार को ही सिविल नागरिक सैन्य सम्मेलन में चर्चा के दौरान कानून व्यवस्था, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, भूमि बुनियाद ढांचों के विकास और बिहार राज्य सैन्य बलों और राज्य प्रशासन के बीच संयुक्त समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके साथ ही आगे यह भी निर्णय लिया गया है कि आने वाले समय में कई मुद्दों पर चर्चा होगी और हुई भी है, भविष्य में भी आपसी समन्वय के साथ आगे बढ़ने पर जोर भी दिया गया। पटना रिंग रोड के लिए और अधिक जमीन की है जरूरत। पटना रिंग रोड के लिए और अधिक जमीन की जरूरत बताई जा रही है। इसको लेकर NHAI अलाइनमेंट के बाद बदलाव की तैयारियों में जुट गया है। ताजा जानकारी के अनुसार पटना रिंग रोड को उत्तर बिहार की संपर्कता दिए जाने को लेकर पहले से तय अलाइनमेंट में बदलाव संभव है। इसको लेकर NHAI निरीक्षण स्थल का भ्रमण कर चुका है। हालांकि पूर्व में यह प्रस्ताव था कि कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन पुल कच्ची दरगाह में जिस जगह खत्म हो रहा है वहीं उसे रिंग रोड से जोड़ दिया जाए। कच्ची दरगाह बिद्दुपुर का आखिरी हिस्सा पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर कच्ची दरगाह के पुराने NH के सामने खत्म हो रहा है। पुल के खंभे इस छोर पर तैयार हो गए हैं। दिसंबर महीने तक तय हो जाएगा कोइलवर बक्सर 4 लेन। कोइलवर बक्सर 4 लेन की शुरुआत दिसंबर महीने से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारों की माने तो दिसंबर महीने से नए कोइलवर पुल पर गाड़ियां दौड़ने लगेंगी। हालांकि यह सब कुछ केंद्र सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है, क्योंकि इसका मुख्य हिस्सा करीब 23.50 किलोमीटर लंबे दानापुर बेहटा एलिवेटेड रोड बनाने के लिए केंद्र सरकार से DPR की मंजूरी का इंतजार है। इसके बाद एजेंसी का चयन कर इसी साल निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद अब उम्मीद यही है कि 2024 में इस एलिवेटेड रोड पर आवागमन शुरू हो जाएगा। इसके बढ़ने से पटना और बेहटा की दूरी काफी कम हो जाएगी। यह राज्य का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड होगा। COVID-19 के कारण गया में लगने वाले पितृपक्ष मेले पर ग्रहण लग गया था। हालांकि बिहार में COVID-19 के मामलों में भले ही गिरावट आ रही हो, लेकिन अब भी मेले को लेकर संशय की स्थिति बरकरार है। सभी की नजर सरकार के फैसले पर जमी हुई है, खासकर की पंडा समाज के लोग सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। साल 2020 से ही पितृपक्ष मेले के आयोजन पर ग्रहण लगा हुआ है, जिसके कारण मेले से अपना घर चलाने वाले लोगों की जिंदगी पर पहाड़ का बोझ टूट गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध मोक्ष की नगरी गया में हर साल लगने वाले पितृपक्ष महीने में यहाँ पर देश विदेश से लाखों की संख्या में सनातन संस्कृति और धर्मावलंबियों का आगमन होता है और अपने पितरों के उद्धार के लिए वो मोक्ष के लिए पिंडदान और तर्पण करते थे। तेजस्वी ने शुरू किया झारखंड मिशन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के बाद अब झारखंड में राजद को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी है। यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष ने झारखंड मिशन का आह्वान कर दिया है। इस बाबत तेजस्वी यादव 18 और 19 सितंबर को रांची में कैंप कर अपने मिशन की शुरुआत करेंगे। झारखंड के राजद नेताओं को तेजस्वी ने संदेश दिया है कि या तो पार्टी का जनाधार मजबूत किया जाए, बढ़ाया जाए, या फिर पद छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। इसको लेकर झारखंड प्रदेश राजद अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने बताया कि तेजस्वी यादव 18 और 19 सितंबर को रांची में रहेंगे। पहले दिन वो पार्टी के पदाधिकारियों से लेकर प्रमुख नेताओं के साथ लंबी बैठक करेंगे। बैठक दूसरे दिन यानी 19 सितंबर को भी होगी। तेजस्वी ने जैसे ही लिया रघुवंश बाबू का नाम, ललन सिंह ने वैसे ही उठाया सवाल। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रघुवंश बाबू की मूर्ति बिहार में स्थापित करने की मांग उठाई थी, जिसके बाद अब वो जदयू के निशाने पर आ गए हैं। यही कारण है कि जदयू ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है, जिसके तहत जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस मुद्दे पर अपना बयान पेश किया है और कहा कि जब पार्टी में थे तो रघुवंश बाबू को अपमानित किया और आज प्रतिमा लगाने की बात कह रहे हैं। रघुवंश बाबू के जीवन के अंतिम काल में किसने अपमानित किया, आज जब वो नहीं है तो उनकी आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग ड्रामा है। मुख्यमंत्री को ज्ञान नहीं दे तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष कहां से आते हैं, कब लैंड करते हैं और लैंड करने के बाद क्या बोलते हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। MBBS में फेल छात्रों को 5 अंक तक ग्रेस। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से MBBS कर रहे छात्रों ने बीते दिन से ही PMCH परिसर में जाकर खूब विरोध किया। इस दौरान छात्रों का आरोप था कि विश्वविद्यालय की तरफ से उन्हें जानबूझकर परीक्षा में फेल किया गया है, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने ऐसे छात्रों को सकारात्मक आश्वासन दिया है। विश्वविद्यालय ने फैसला लिया है कि 5 अंक तक से फेल छात्रों को पास कर दिया जाएगा। इस बाबत AKU के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह ने बताया कि 5 अंक तक ग्रेस देकर छात्रों को पास करने की पहल की जाएगी। विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी भी दे दी गई है। भारत बनाम
इंग्लैंड के बीच सीरीज का अगले साल होगा फैसला। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में पांचवें टेस्ट मैच से ठीक पहले स्थगित हो गया था, जिसके बाद सीरीज के विजेता का फैसला अगले साल होगा। भारतीय टीम को अगले साल 2022 में 3 T20 और 3 ODI मैच की सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा करना है और यह तय हुआ है कि इस दौरे पर भारतीय टीम एक अतिरिक्त टेस्ट मैच भी खेलेगी जो मौजूदा सीरीज का ही हिस्सा होगा और सीरीज के परिणाम का फैसला करेगा। जानकारों की माने तो इस दौरे पर भारतीय टीम एक अतिरिक्त T20 मैच भी खेल सकती है। BCCI की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार वो मैच दोबारा कराया जाएगा, इसका मतलब सीरीज का फैसला भी तभी होगा। BCCI और इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के पदाधिकारियों के बीच इस बात की लगभग सहमति बन गई है, जिसके बाद अब निर्णय अगले साल ही आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत बनाम इंग्लैंड के बीच स्थगित किए गए आखिरी मैच को लेकर निर्णय अगले साल लेने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।